भाई पिछले तकरीबन 3-4 दिनों से आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत जज्बात में हैं, क्या वजह है इतना ज़्यादा आप इमोशंस में नज़र आ रहे हैं? क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र इमरान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं सर, इन्हें डर नहीं लगता कि इमरान रियाज को हाथ लगाया तो पाकिस्तान हिल जाएगा? इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है इस वक्त आप पाकिस्तान में, माशाल्लाह। पता नहीं मुझे इसके बारे में, मुझे अभी तक वैसे हाथ किसी ने नहीं लगाया। हाँ, 2-4 दफा हाथ डाला है लेकिन मैं निकल लिया हो गई, और कोई ना कोई दोस्त खुद ही बता देता है। तो फैमिली के साथ इस्लामाबाद आए या वैसे ही? इवेंट कोड में आपको बताता हूँ, नहीं मुझे इसके लिए वकला ने इनवाइट किया था, दैट इज व्हाई आई एम हियर। लेकिन मुझे कल एक दोस्त ने फोन किया, उसने कहा खान साहब यू हैव 40 मिनट्स, हाँ तो आप निकल जाएँ। तो मैंने फिर वहाँ पर उनको हथियार भी अपने दे दिए, लाइसेंस भी दे दिए, मैं मूव नहीं किया वहाँ से। फिर दोबारा शाम को मैसेज आया कि अगेन यू हैव 40 मिनट्स, अब आपके ऊपर रेड मारेंगे। बहरहाल वो नहीं हुआ ऐसा कुछ। साफी का सर जो जुबान है वो कैसे बंद हो गया? साफियों की जुबान है, तेरी जुबान बंद हो सकती है इमरान भाई? यार बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ कब तक ऐसा होता रहेगा? देखें, जब तक खेलने वाले खेलते रहेंगे तब तक खेल के रूल्स के ऊपर सवाल उठते रहेंगे। हाँ, और लोग पूछते रहेंगे कि भाई ये रूल तो ऐसा नहीं था। यानी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जहाँ मैंने तौहीन की हो अपने इदारे की। ट्रू, वेरी ट्रू। एक ऐसा जुमला मैंने नहीं बोला जहाँ मैंने अपने इदारे की तौहीन की हो। लेकिन मेरे इसी मुल्क के अंदर जो साहिब इक्तदार लोग हैं उन्होंने बेशुमार ऐसे जुमले बोले हैं जहाँ पे उन्होंने मेरे मुल्क की तौहीन की है, और उन सारे लोगों में से किसी एक के ऊपर भी इस तरह का मुकदमा नहीं है। मेरे पास एक दर्जन के करीब FIR हैं, तो ऐसे ही है। इमरान भाई पिछले तकरीबन 3-4 दिनों से आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, बहुत जज्बात में है, क्या वजह है इतना ज्यादा आप इमोशंस में नजर आ रहे हैं? क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र इमरान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं इमोशन में नहीं यार, आपके ऊपर भी पर्चे देते हैं ना 6-7 एक रात में सुबह मैं आपसे पूछता हूँ इमोशंस कैसे हैं आपके, आपको मैं बताता हूँ। जिस आदमी को उन्होंने मेरे घर की बैक साइड पे मारा ना, उसकी चीखों की आवाज मेरे घर में आ रही जी, आपने बताया। आपके घर की दीवार के पीछे लाके एक बंदे को फेंके और पहले उसको जानबूझकर ऐसी जगह गोली मारे कि वो ना मरे और वो चीखे, और उसकी चीखें आपके घर के अंदर सुनाई दें, आपके माँ बाप का वो लास्ट वाला कमरा हो, साथ आपके बच्चों का हो, वहाँ पे चीखें आपके घर में सुनाई दें, और फिर वो दोबारा गोली मारें ताकि ये और चीखे, और फिर 4 गोलियों के साथ उस आदमी को मारें, और फिर अगले 10 मिनट 5 मिनट वहाँ फायरिंग करते रहें, तो मैं आपसे पूछूंगा कि इमोशन है या नहीं है। सर पहले इन्हें पता नहीं था कि मुतनफर हो रही है, इदारों के खिलाफ हरदम सराई कर रही है, आपको नहीं लगता? इदारों के खिलाफ नहीं करनी चाहिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के इदारे हमारे इदारे हैं, हमने बनाए हैं, हमारे खून पसीने से बने हैं, वो हमारे लोग हैं, उनसे हमें इश्क है, प्यार है, और उनको भी रहना चाहिए और पाकिस्तान को भी रहना चाहिए। ये पॉलिसी मैटर के ऊपर स्टेटमेंट राय है, लड़ाई नहीं है, दुश्मनी नहीं है। फोन किसने हैक किया था? राय है, फोन किसने हैक किया था? वो मुझे, मैं भी एक्सपर्ट को दिया हुआ था, वो सारा डाटा चला गया। आप सबके नंबर भी अब मेरे पास नहीं है। ठीक है, बल्कि मेरे फैमिली मेंबर्स के नंबर भी अभी मैंने दोबारा मंगवाए हैं कि मुझे मैसेज कर दें, तो वो सारे नंबर भी चले गए, मेरे बाकी चीज़ें भी चली गई, ट्विटर मैंने अपना जो है वो रिकवर कर लिया जी, बाकी चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहा हूँ। आपको निहत्ते कर दिया गया है, असलाह शसला आपके पास नहीं है, हथियार कोई चीज़ नहीं है, अब कैसे खुद को प्रोटेक्ट करेंगे? व्हाट नेक्स्ट फॉर यू? पहले भी अल्लाह ताला प्रोटेक्ट करता था, अभी भी अल्लाह ताला प्रोटेक्ट करेगा, हथियार के बगैर। सर पंजाब में कोई जबा हो गया? पंजाब में कुछ जबा हुआ आज खबरें आ रही हैं। अच्छा नहीं, वो बंदोबस्त ये किया गया है कि चोरी दिखा के तो उन्होंने वापस जेब में डाल दी है। वो हुआ ये कि ये जो फैसला है, अब तो फैसला आ गया, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो इस वक्त हालात हैं, अगर वो इमरान खान साहब ने भी कहा कि वो कोर्ट में चले जाएंगे जी, मेरे ख्याल में उनकी पार्टी के लिए बेहतर होगा। अगर वो नहीं जाते तो हमदा शहबाज कल सुबह दोबारा वज़ीर-ए-आला पंजाब बन जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे। इमरान भाई सुलह वगैरह कर सकते हैं अपने मुखालिफीन के साथ, जो आपके खिलाफ, आप जैसे कहते हैं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है और नहीं होनी चाहिए, हम भी इसके खिलाफ हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेकिन आप बैठ सकते हैं उनके साथ बात करने के लिए, तैयार हैं जो मुखालिफीन है आपके? मैं रोज बैठता हूँ, रोज बात करता हूँ, मुझे जब कोई बुलाता है मैं उनके साथ बैठता हूँ, लेकिन सुलह उसके साथ होती है जिससे आपकी लड़ाई हो।